ये है झारखंड। अंजलि देवी जी, हाँ सर, नमस्ते, कैसे? हाँ सर, अरे ये तो वही खुंटी है ना, आया था अभी? जी हाँ सर, आज है, पहले भी आया था एक बार, आपको मालूम है वो सोलार प्लांट के लिए आया था? हाँ सर, जी सर, पहले मिले सर, अभी मिल रहे हैं सर। हाँ बताइए अंजलि जी, आप क्या करती हैं? हम फुटपाथ में कपड़ा बिजनेस करते हैं सर, बच्चा लोगों कपड़ा बेचते हैं। अच्छा, आइए सर, हमें आपके मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, झारखंड के हमारे रघुवर दास जी, कि जैसे राजमिस्त्री होते हैं वैसे उन्होंने झारखंड में रानी मिस्त्री का ट्रेनिंग कोर्स किया और महिलाएं रानी मिस्त्री बनी हैं और उनको मकान बनाना बिल्कुल इंजीनियर से भी अच्छा आ गया है। तो ये इसका अनुभव कैसा है सर? बहुत अच्छा, अच्छा है सर, रानी मिस्त्री का ट्रेनिंग करके हम लोग समूह में ग्रुप बना लिए हैं। आप खुद रानी मिस्त्री हैं? जी। अरे वाह, क्या नाम मेरा आपका? मेरा नाम गायश्री कुमारी है सर। हम रानी मिस्त्री का ट्रेनिंग किए हैं 2016 में और 200-300 शौचालय बनवा निर्माण किए हैं अपने से। हाँ। और सर अभी अब तो खत्म हो गया है, तभी अब जो प्रधानमंत्री आवास बन रहा है उसमें भी हम लोग काम में लगे हुए हैं। आपको काम मिल जाता है? लोगों जो मकान बना रहे उसको भरोसा है कि गायत्री कुमारी जो मकान बनाएगी वो अच्छा बनाएगी? सर बहुत को तो नहीं है, लेकिन बहुत को सर है, लेकिन बहुत पहले मिस्त्री लोग करता है, उन लोग को भरोसा नहीं है, लेकिन बहुत को जो जान गया उन लोग को भरोसा है सर। ये पुरुषों का स्वभाव ही ऐसा होता है जी। हाँ, वो कोई महिला अच्छा काम करेगी तभी वो बीच बैठक के डालेगी। मेरा उद्देश्य है कि शौचालय में बहुत का अभी शौचालय बन गया है लेकिन शौच मुक्त नहीं हुआ है सर, लेकिन उसको हम क्या कर रहे हैं सर, जो झाड़ी अभी शौचालय करने के लिए महिलाओं के लिए वो का शौच है। हाँ। शौचालय का सुविधा बन गया है, इसको हमको हटाने का उद्देश्य हम लिए हुए हैं सर उसको। और भी कोई है रानी मिस्त्री यहाँ? प्रणाम सर। हाँ नमस्ते जी, क्या नाम? नीरू देवी। अच्छा नीरू जी, आप भी मकान बनाती हैं? हाँ। कितने समय में सीख लिया आपने? कम से कम 3 साल। 3 साल इसमें टेस्ट किया गया था, इसमें रानी मिस्त्री में। हाँ। और इसमें अभी 15-20 जन फिर जुट गया इसमें। हाँ। उन लोग को दिए, वो लोग भी कर लिया साथ है। हाँ। और अपना घर भी हम लोग खुद से बनाए। अच्छा, लेकिन कोई दीवार तो, आप नया नया बनाते हो तो दीवार इधर उधर हो जाती है, ईंटे के भी इधर, ऐसा तो नहीं होता है ना? उसमें नापी रस्सी लगाना पड़ता है, इसमें साहुल देना पड़ता है। हाँ। उसमें तो बिल्कुल सब आ गए आपको जी? हाँ जी सर। तो आप तो इंजीनियर हो गई। तो जिन लोगों का मकान बना है वो कहते होंगे कि ये नीरू जी ने मकान बनाया। अभी 200 तक बना लिए हैं। हाँ। फिर अगला और आगे और करेंगे। कितनी कितनी रानी मिस्त्री हैं आपके इस खूंटी में? अभी तो हम लोग जुटे हैं अभी कम से कम 20-15 जन। 73 जी सर। लोगों को जो घर मिल जाता है उनसे कभी बातें करने का मौका मिलता है आपको? क्या कहते हैं जिनको घर मिलता है वो सर? सर वो लोग बहुत खुश होती है, वो लोग बोलती है कि पहले इतना दिन पहले हम लोग कभी आवास नहीं मिला था और अभी मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। पहले हम लोग पानी में भींगते थे, जब बरसात में छप्पर का घर होता था, खपड़ा का घर होता था, उसमें पानी चुता था बरसात में, तो वो लोग क्या करती थी सर, मेला ही प्रॉब्लम हम बता रहे हैं सर। जिस समय मेरा घर नहीं था, हम तो खैर हमको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला लेकिन हम दूसरों को मिल रहा है, बहुत खुश है सर। हम अपने से बना लिए हैं अपना घर, हम और मेरा हस्बैंड दोनों मिल के बनाए अपना घर को सर। हम और मेरा हस्बैंड मिल के बनाए अपना घर को, और मेरा बच्चा लोग को भी हम मीटर ढोवाते थे, क्या करेंगे, स्कूल जाता था सरकारी स्कूल, मेरा बच्चा पढ़ा हुआ है सब कोई, और अपने से बनाए हैं सर हम। और जिस समय मेरा घर नहीं था उस समय में तो ये घर में ये ढाबा का हवा में रहते थे सर, ढाबा होता था कोठा ढाबा, उसका हवा होता है उसमें रहते थे सर, पानी बर्दाश्त नहीं करता था और पूरा रात भर चूता था, रात भर हम प्लास्टिक अपना बच्चा का मच्छरदानी छूता था, उसके मच्छरदानी ऊपर प्लास्टिक छाड़ देते थे सर, और हम लोग दोनों हस्बैंड वहाँ पूरा जहाँ जहाँ पानी गिरता था वहाँ पर हम लोग छानते चलते थे सर। और इस तरह इतना हमको सोच था कि हम कब घर बना लें, घर बना लिए हैं, लेकिन अभी हमको बहुत खुशी हो रहा है कि प्रधानमंत्री सबको आवास मिल रहा है सर। और जिसको नहीं मिला है, जिस गरीब महिला को नहीं मिला है चाहे पुरुष को नहीं मिला, उसको आपके तरफ से मिलना चाहिए सर, इसके लिए आपको नहीं, मिलने वाला है। गायत्री जी आप विश्वास कीजिए, मैं जो काम करूंगा सबके लिए करूंगा,
और पूरा करके रहूंगा, ये मेरा पक्का है, यही तो मेरी विशेषता है। अच्छा, आपको ये मालूम है सरकार जैसे घर देती है, अगर वो आप अपना छोटा कोई कारोबार करना चाहें तो बैंक से बिना गारंटी पैसे भी देती है, मुद्रा योजना। आप लोग लेते हैं खूंटी में? जी सर। लिए हैं सर। किसने लिया? हाँ बताइए बताइए, क्या अनुभव आया आपका? सर बहुत फील हुआ, बहुत अच्छा लगा कि हमें मुद्रा लोन भी मिला। और उसके कितना कितना पैसा मिला आपको? 50,000 मिला सर। हाँ 50,000 तो कितना होता है ये सर? मूड़ी सर, हम पहले चूड़ी बेचते थे सर, बहुत तकलीफ से पोसे बाल बच्चा सर। मेरा हस्बैंड भी डेट कर गए थे, 3 बच्चे हैं सर, में लेकर के चूड़ी बेचते थे सर। उसके बाद फिर बच्चा लोग को पढ़ाए लिखाए सर। अभी तो फुटपाथ में कपड़ा बिजनेस करते हैं सर। और बहुत हमें मिला प्रधानमंत्री योजना आवास घर, तो हमको बहुत खुशी लगा। मेरा बच्चा लोग पहले कच्चा मकान में ही रहते थे सर। तो ये चूड़ी बेचने का कारोबार अभी बढ़ा पैसे मिलने से? चूड़ी बेचने का कारोबार बढ़ा आपका? चूड़ी बेचना छोड़ दिए सर, अब कपड़ा बेचते हैं। अच्छा, चूड़ी से अब कपड़े पे चले गए? हाँ। अच्छा, तो ये मुद्रा योजना का लाभ औरों को भी मिलना चाहिए। और बैंकों में से मैंने बहुत आग्रह किया है सर, कि गरीब को सबसे पहले पैसा देना। सर मुद्रा लोन? जी सर, मुझे भी मिला है मुद्रा लोन। तो आप क्या करती हैं? जी सर, कपड़े का सिलाई का काम करती हूँ। सिलाई का काम करती है? जी सर। कितना महीने भर कितने रुपए का काम करती है? 6,000-7,000 का कर लेती हूँ सर। अच्छा, तो परिवार में और भी मदद करते होंगे आपको? परिवार में और भी मदद करती हैं, और एक दो महिला और मदद करती हैं। अच्छा, 2 महिलाओं को काम दे दिया है आपने? जी सर। तो उनको कितना पैसा देती हैं आप? जैसे वो लोग सिलाई करती हैं सर, उस पे वो लोग का पैसा बनता है। अच्छा, तो उनको भी कमाई होने लग गई। तो पहले आप मुद्रा योजना के पहले आप अपना भी पैसा नहीं कमा पाती थी, मुद्रा योजना के बाद खुद भी कमाती है और 2 और लोगों को भी कमाने के लिए अवसर देती है। जी सर, बहुत बढ़िया। आपने बहुत इसको और बढ़ाना है सर। हाँ, वहाँ नहीं, बढ़ाइए, बहुत बढ़ाइए। देखिए, ये उत्साह जो आपका है ना, जी सर, हमारे देश की ताकत है। जी सर, आप तो प्रधानमंत्री आवास भी आप दे दिए हैं सर। हाँ। इसके लिए आपको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया है सर। बात आप बहनों का आशीर्वाद बना रहे हैं, और परिवार में कोई व्यसन न हो, नशा न हो, बच्चों की पढ़ाई हो। आप देखिए, देखते ही देखते गरीबी को भागना पड़ेगा, पक्का भागना। जी सर, आप रहिएगा सर तो जरूर गरीबी भाग जाएगा सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जी सर, धन्यवाद। हम लोग का शुभकामना है और दुआ है सर कि बस आपके आशीर्वाद है, प्रधानमंत्री आप ही बने सर, आपके आशीर्वाद है, सब अच्छा होगा। बहुत बहुत जोहार, 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 सबको जोहार।